हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको भी अगर ऐसा कुछ एरर आता है आपके रिवाइज में तो इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं? जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको YouTube में या फिर किसी भी एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना है, और ये मेरे को आ रहा है YouTube में। तो आपको ऐप्स इन्फो में जाइए और YouTube को फाइंड कीजिए। काफ़ी आसान है, एक ही सेकेंड में आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर फाइंड करना है आपका जो कि YouTube था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा YouTube दिख गया। इसको ऑन कीजिए और यहाँ से आपको आपको इस पे जाना है स्टोरेज पे, और यहाँ से डाटा क्लियर कर दीजिए। और डाटा क्लियर करने के बाद, ये डाटा क्लियर कर दिया मैंने, और यहाँ पे और भी कुछ दिखाए कैच फाइल, तो इसे भी हटा दीजिए। डाटा क्लियर ही होगा गाइस यहाँ पे। तो अब ये 400 MB का था, अब 116 MB का हो गया। तो गाइस ये काफ़ी फ़र्क होता है, आप देख सकते हैं यहाँ डेटा यूजेज में भी आप जाके देख सकते हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है सबसे पहले। और उसके बाद आपको परमिशन में जाना है, सारे परमिशन अलाउ कर देनी है यहाँ से। अलाउ करने के बाद फिर से आपको प्ले स्टोर में जाना है। जिस ऐप में आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए उसमें देख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पे सर्च करें यूट्यूब। सर्च करने के बाद ओपन करें, यहाँ अगर अपडेट दिखाए तो अपडेट कर लीजिएगा। हालांकि मेरा कोई अपडेट नहीं दिखा रहा है, तो अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो एक काम और कीजिएगा, फिर से सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करें, उसके बाद नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको रोमिंग डेटा आपको चेक कर लेनी है, ऑल पे क्लिक होना चाहिए, 4G LTE ऑन होना चाहिए जैसा कि मेरा है ऑन। प्रेपर नेटवर्क टाइप्स आपको 4G पे सेट कर देना है। कई बार क्या होता है गाइस कि ये होता है आपका नेटवर्क के प्रॉब्लम से भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। एक्सेस नेम पॉइंट पर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट पे, उसके बाद रीसेट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। उसके बाद आपको बैक आ जाना है और फिर चेक करना है आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो गाइस आई थिंक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू क्रिएटर स्टोरी, आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ रहा है, या फिर आपको देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था जो कि सॉल्व हो चुका है। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।